हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आसंतु देखिने बा आज सकाळर किछि बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे। नंबर 1 रे अप्रैल 20 रु सारा देश रे कार्यक्षम हेबाकु थिबा सेवा गुडीकर विस्तृत तालिका प्रकाश कले केंद्र सरकार। लॉकडाउन चलीथिला बेले कोरोना भाइरस सहित लड़ीबा पई अप्रैल 20 रु सारा देश रे केउं सबु सेवा गुडीक कार्यक्षम हेबो ताहार एक विस्तृत तालिका प्रकाश करिछंती सरकार। केंद्र मंत्री रविशंकर प्रसाद ट्वीट करी एही तालिका प्रकाश करिबा बेले स्पष्ट करिछंती समस्त स्वास्थ्य सेवा खोला रहिबो, समस्त कृषि कार्य मध्य चलिबो, मत्स्य चाष जारी रहिबो, चा कॉफी एवं रबर वृक्ष मध्य जारी रहिबो, सेहिपरि पशुपालन आर्थिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र मध्य चालू रहिबो, सामाजिक दूरता फेस मास्क रो कठोर कार्यकारिता सहित मनरगा श्रमिक माने काम करि पारिबे, लोडिंग अनलोडिंग अनुमति मध्य दियाजिबो, ऑनलाइन शिक्षा दान अत्यावश्यक जोगाण ओ बेसरकारी प्रतिष्ठान गुडीक कार्य करिबो, भारत सरकारंकर कार्यालय ओ राज्य सरकारंकर केन्द्र शासित कार्यालय सब मध्य खोला रहिबो। नंबर 2 रे मे 4 रु घरोई उड़ाण जून 1 रु आंतरजातीय विमान उड़ाण पई बुकिंग आरंभ करिबो एयर इंडिया। कोरोना भाइरस पई सारा देश को लॉकडाउन मध्य रे रखा जैथिबारु समस्त विमान उड़ाण को बंद करा जैथिला। अप्रैल 14 रे प्रथम पर्याय रे लॉकडाउन सरीथिबारु स्थिति को देखि प्रधानमंत्री मोदी एहार अवधि को मे 3 तारीख पर्यंत बढ़ाईथिले। वर्तमान मे 3 पर्यंत विमान सेवा बंद थिला बेले भारतीय विमान सेवा परिवहन कंपनी एयर इंडिया पक्षरु बुकिंग आरंभ हेबा नै सूचना मिलिछि। जून 1, 2020 ठारु आंतरजातीय विमान उड़ाण पई बुकिंग आरंभ करिबा सह मे 4 तारिखरु 2020 मनोनीत घरोई रूट पई बुकिंग आरंभ हेबो बोली एयर इंडिया पक्षरु घोषणा करा जैछि। मनोनीत घरोई मार्गरे मुंबई दिल्ली कलकत्ता चेन्नई बेंगलोर भली गुरुत्वपूर्ण मेट्रो सहर अंतर्भुक्त हेबो। सूचना मुताबक मार्च 25 रु देशरे प्रधानमंत्री मोदी संपूर्ण लॉकडाउन घोषणा करिथिले एवं लॉकडाउन रो शेष दिन अप्रैल 14 पर्यंत समस्त विमान उड़ाण मध्य बंद रहिबो। नंबर 3 रे बालेश्वर राज्य रे 61तम कोरोना आक्रांत चिन्हट। राज्य रे 61तम कोरोना आक्रांत चिन्हट। राज्य सूचना और लोक संपर्क विभाग ट्वीट करी एहा जणिछंती। राज्य सरकार को पक्षरु कुहा जायछि जे बालेश्वर रे चिन्हट होइतिबा व्यक्ति को बयस 58 वर्ष, से जणे पुरुष, से केउटी को जाईथिले, कहा सह मिसीथिले, तांको संस्पर्श रे केउ माने आसीथिले तार ट्रेसिंग करा जाउछि। सूचना योग्य बालेश्वर जिल्लारु आजि प्रथम थर पई कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। पूर्वरु पड़ोसी भद्रक जिल्लारु 2 जण कोरोना आक्रांत चिन्हट होइतिले। बालेश्वरु जणे व्यक्ति चिन्हट हेबा परे राज्य रे 10टी जिल्ला कु कोरोना संक्रमण व्यापिछि। पूर्वरु जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक पुरी खोर्धा ढेंकानाल कलाहांडी और सुंदरगढ़ रे कोरोना पॉजिटिव चिन्हट होइतिले। राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ मिलिथिबा सूचना अनुजाई गतकाली 12 घटिका मध्यरात्र सुधा 8619 नमूना परीक्षा रिपोर्ट मिलिछि। एथिमध्यरु 61टी परीक्षार रिपोर्ट पॉजिटिव रहिछि। नंबर 4 रे लॉकडाउन परे केबे हेबो पिलांको परीक्षा, मंत्री रखिले उत्तर। कोविड 19 पई चलीछि लॉकडाउन, तेबे कोरोना पई चिंता रे छात्र छात्री अछंती। केबे हेबो एंट्रेंस, केबे बाकी थिबा सेमिस्टर हेबो, ए नै उत्तर रखिछंती उच्च शिक्षा मंत्री अरुण साहू। आजि मध्यरात्रि रे गणमाध्यम को से कहिछंती कि राज्य सरकारंकर उच्च शिक्षा विभागर क्रिटिकल डिपार्टमेंट हिसाब रे घोषणा करिछंती। आसंता 20 तारीख रे क्लास 1 ऑफिसर माने ऑफिस आसीबे, तेबे पिलांको परीक्षा रे प्रश्न उत्तर हेबाकु मंत्री कहिछंती। आसंता जून 12 जाय समस्त शिक्षानुष्ठान बंद नै मुख्यमंत्री नवीन पटनायक घोषणा करिछंती। तेणु लॉकडाउन खोरिबा परे परीक्षा संपर्क रे निष्पत्ति निया जिवो, तेणु जून 17 तारीख परे कोनोसी भी समय रे सेमिस्टर फाइनल सेमिस्टर ओ अन्यान्य परीक्षा करा जिवो, सेथि पई एको शेड्यूल तयारी मध्य हेबो।
सेथिपाई किछि दिन अपेक्षा मध्य करिबाकु पड़िबो। एहारी भीतरे यूजीसी एक सात जनिया कमिटी गठन करिछि। एक रिपोर्ट को बहु शीर्षरे आसिबो। रिपोर्ट आसिला परे विभिन्न एंट्रान्स विषय पदक्षेप नियाजिबो। तेणु एबे कोरोनार जो परिस्थिति अछि या भीतरे कोनोसी परीक्षा संभव नुह। नंबर 6 दूरदर्शन जरिया पाठ पढ़िबे दशम श्रेणी पिला। कोरोना पाई व्यापक लॉकडाउन जारी रही थिबारु पिलांको पाठ पढ़ारे व्यापक व्याघात सृष्टि हेउची। एही समय रे समाधान निमन्ते दूरदर्शन रो सहायता लॉकडाउन समय रे दूरदर्शन जरिए दशम पाठ पढ़ा जिवो बोली निष्पत्ति निया जायची। आसंता 20 तारीख रु एकुसाट पक्षरु प्रस्तुत भिडियोर पूर्ण प्रसारण पाई निष्पत्ति होईची। एप्रिल 20 रु मे 12 तारीख मध्यरे 34 भिडियोर पूर्ण प्रसारण हेबो। प्रति सोमवार रु शुक्रवार पर्यंत दिनकु घंटाए लेखाए दुईथर कार्यक्रमर पूर्ण प्रसारण करा जिवो। सकाळ 11:00 रु 12:00 एवं 3:00 रु 3:30 रु 4:30 रे पूर्ण प्रसारण हेबो। गणित इंग्राजी भूगोल एससीपी एससीएल पाठर पूर्ण प्रसारण हेबो। ओडिशा स्कूल एक्यूडस प्रोग्राम अथॉरिटी ओसार पक्षरु ए निष्पत्ति निया जायछि। नंबर 7 बैजयंत पंडाक उद्यम रे सूरत रु फेरिचंती 350 जण ओडियांक पाखरे पहुंचिला खाद्य सामग्री। वरिष्ठ बीजेपी नेता तथा राष्ट्रीय उपसभापति श्रीजुक्त बैजयंत पंडाक उद्यम गुजरात सूरत अंचल फसी रही 350 जन ओडिया श्रमिकों पाखे खाद्य पहुंची। सूचनाजोग्य कोरोना लॉकडाउन जुगु गुजरात सूरत अंचल 350 जन ओडिया श्रमिक भोक उपास फसी रही फसी रही ओडिया श्रमिक मैंने खाद्य सामग्री पर श्री पंडा को निवेदन अनुरोध क्रमे श्री पंडा बीजेपी जातीय साधारण संपर्क और श्री विपल संतोषी जी और गुजरात बीजेपी साधारण संपादक श्री भितुभा डालसेनिया जी को जोगाजोग करी संपर्क रे तुरंत सेमानंको हस्तक्षेप लोड़ीथिले। एहा परे गुजरात रे बीजेपी कार्यकर्ता सहयोग रे ओडिया लोकंकु खाद्य सामग्री जोगाई दिया जिवो। नंबर 8 लुचाउची पाकिस्तान। 29 दिन रे कराची रे पोता हेलानी 3265 मृतदेह। कोरोना भूताणु भाइरस प्राय सबु विश्व को प्रभावित करिछि। जेउथिरु भारतर पड़ोसी देश पाकिस्तान मध्य बाद पाइनी। पाक डाक्तर और स्वास्थ्यकर्मी पाखरे व्यक्तिगत प्रतिरक्षा उपकरण किट मास्क एवं ग्लोव्स रो सुविधा न थाई सरकारी सूचना अनुसार देश रे कोविड रोगी संख्या बहुत कम रही। सरकारी सूचना अनुसार पाकिस्तान ए पर्यंत 7400 अधिक कोरोना रोगी चिन्हट होता बेले 143 जनकर मृत्यु होईची। किंतु पाकिस्तान रो एही आकलन को नहीं प्रश्नवाची सृष्टि होईची। सूचना अनुसार गत 29 दिन रे कराची सहर रे एक कबर स्थान रे 3265 मृतदेह पोती दिया जायची। एही संख्यक आश्चर्यजनक अटे। दि ट्रिब्यूनल रिपोर्ट अनुसार एही संख्या कराची प्रशासन द्वारा प्रकाश होईची। एहा पूर्वरु पाकिस्तान गणमाध्यम रे खबर आसीथिला जे कराची डाक्तरखाना रे कोरोना द्वारा बहु संख्यक लोकंकर मृत्युवरण करूची। किंतु प्रशासन याकु साधारण लोकंकु लुचेबाकु चेष्टा करूतला। नंबर 9 कोरोना मुकाबिला पई डाक कर्मचारीकु 1,00,000 टंका क्षतिपूरण। डाक कर्मचारी माने कार्यरत अवस्था रे कोरोना भूताणु द्वारा संक्रमित होई जदि प्राण हरांती तेबे सेमानकु 1,00,000 टंका पर्यंत क्षतिपूरण मिलिबो। डाक विभाग अत्यावश्यक सेवार अंतर्भुक्त होइथिबारु एहार कर्मचारी माने कोरोना संक्रमण काल रे विभिन्न डाक सेवा सह ए विधिर चिकित्सा ओ निराकरण रे व्यवहृत होउतबा औषध सामग्री पार्सल बांटुछंती। एही दायित्वर निर्वाह काल रे सेमाने कोरोना भूताणु द्वारा संक्रमण हेबार संभावना रहिछि। तेणु एभली स्थिति रे कोनोसी डाक कर्मचारीकर जदि मृत्यु घटे सेमानंकु 1,00,000 टंकार क्षतिपूरण दियाजिबो। उभय ग्रामीण तथा अन्य डाकमाने मध्य ए सुविधा पाइबे। नंबर 10 भारत को कोरोना संकट समय रे साहाज्यर हात बढ़ेछि अमेरिका।
कोरोना संकट मध्यरे अमेरिका भारत को साहाज्यर हाथ बढ़ाई भारत को यूएस कोरोना संक्रमण रोकिबा पई 5.9 कोटी डॉलर बा 4,448 कोटी टंका प्रदान करिछि। भारत को एही अर्थ को भाइरस संक्रमण कम आपत्कालीन प्रस्तुति रे व्यवहार करिबाकु बोली वैदेशिक मंत्रालय कहिछि। एही मारात्मक भाइरस रो मुकाबला पई करा जाउथुबा प्रयास रो उदाहरण दे अमेरिका कहिछि जे गत 20 वर्ष अमेरिका भारत को प्राय 21,280 कोटी टंका साहाज्य करिछि, जेउथिरे 10,640 कोटी हेउछि स्वास्थ्य सहायता। अमेरिका वैदेशिक मंत्रालय और इंटरनेशनल डेवलपमेंटर स्वास्थ्य मानवीय अर्थ सहायता पाई 25 कोटी डॉलर रु अधिक देबा पाई प्रतिश्रुति देछि। दक्षिण एशिया अमेरिका कोरोना मुकाबला और अफगानिस्तान को 50 लाख डॉलर, बांग्लादेश को 96 लाख डॉलर, भूटान को 50 लाख डॉलर और नेपाल को 18 लाख डॉलर आर्थिक सहायता प्रदान करिछि। नंबर 11 रे कोरोना मुकाबला पई आरंभ होला जिला स्तरीय घरोई घरोई स्क्रीनिंग। कोरोना भूताणु रो मुकाबला पई देश रे लॉकडाउन करा जायतिला बेले सरकारी स्तर रे विभिन्न प्रतिरोधक व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। एही क्रम रे स्वास्थ्य विभाग तरफ रु संबलपुर जिले रे घर घर जाय स्क्रीनिंग कार्य आरंभ होई जायछि। एथिरे स्वतंत्र दल गठन करा जायछि। गोटिए दल को दिन को 50 घर रो स्क्रीनिंग दायित्व दिया जायछि। एही अंचल रे कार्यकाल प्राक प्रस्तुति अनुजाई गोष्ठी स्वास्थ्य केंद्र अंचल रे गुरुवार मॉकड्रिल करा जिवो। मॉकड्रिल परे शनिवार सारा जिले रे रहितिबा अंगनवाड़ी और आशाकर्मी को नै स्क्रीनिंग कार्य आरंभ करा जायछि। प्रथम दिवस रो सारा जिले रे 50,000 रु ऊर्ध घर रो स्क्रीनिंग करा जाय। 2 लाख रु ऊर्ध लोकंकर ज्वर काश तंटी बथा श्वास नेबारे असुविधा सर्दी आदि समस्या संपर्कें पचारि बुझिबा सहित तार सूची प्रस्तुत मध्य आरंभ होईछि। नंबर 12 रे लॉकडाउन रे छात्र छात्रीटंक ठारु फी मागि पारिबेनि शिक्षानुष्ठान। AICTE रो निर्देश सारा देश रे लॉकडाउन जारी रहितिला बेले छात्र छात्रीनकु फी मागुथुबा शिक्षानुष्ठान कर्तृपक्ष ऑनलाइन बदलरे ऑफलाइन बदलरे ऑनलाइन फी पाई अनुरोध करिछंती। तेणु बहु अभिभावक फी दाखल रो समय सीमा वृद्धि अनुरोध को नै अनेक शिक्षानुष्ठान कर्तृपक्ष ग्रहण न करबा परे सेमाने अखिल भारतीय शिक्षा परिषद रो द्वारस्थ होइछंती। लॉकडाउन द्वारा छात्र छात्रिंक ठारु फी मागि परिबेनि कोनोसी शिक्षानुष्ठान बोली कड़ा निर्देश देछि SRC। दरमा काटिथिबा कर्मचारीक तुरंत वेतन सह छटई कर्मचारी को पुणि चाकरी रे रखिबा को निर्देश दिया जायछि। नंबर 14 रे सहरांचल अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणी लोकंकु रोजगार देबाकु 100 कोटी टंका मंजूर कले मुख्यमंत्री। कोरोना मुकाबला नै मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बड़ घोषणा करिछंती। ताहा अनुजाई राज्य रे 114 टी अंचल रे अर्थनैतिक दुर्बल श्रेणी लोकमानंकु रोजगार देबा 100 कोटी टंका मंजूर करिछंती मुख्यमंत्री। एथिरे श्रमिक भित्तिक कार्यगुडी को गुरुत्व दिया जिबो। एहा द्वारा राज्य रे 114 टी अंचल रे श्रमिक ओ गरीब दिन मजुरिया जीविका पई सृष्ट हेबो। एथिरे 4.5 लाख परिवार उपकृत हेबे बोली जणा पडिछि। आवन वेज एयरमेन्स इनसोफियर नामरे कार्यक्रम करा जायछि। राज्य सरकारक द्वारा प्रचलित एही योजना द्वारा सरकार सहरांचल श्रम भित्तिक प्रकल्प कार्यालय करा जिवो। एथिरे ड्रेन गुडिक माटी अन्यान्य बर्ज्यवस्तुर सफेई जलाशय खनन नवीकरण पार्क खेलपड़िया अन्यान्य खोला स्थान गुडिक उन्नतीकरण शौचालय निर्माण सहरांचलर सौंदर्यीकरण सहित अन्यान्य श्रम कार्य हातकु निया जिवो। तो फ्रेंड्स ए थिला आजि सखाळर किछि बड़ बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर। वीडियो पसंद आसिले लाइक करंतु और चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि नियंतु।